नमस्कार दोस्तों, मैं सुनसानी आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटे, कल तक जो है हमारी जो क्लास थी, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रकाश के बारे में। साथ के साथ जो हमने डिस्कस किया था कि दर्पण क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, परावर्तक के नियम क्या होता है, और हमने जो है चीज़ों के बारे में इस तरीके से जो है डिस्कस कर लिया था। ठीक है सर, कि प्रकाश क्या है, प्रकाश, और मैंने आपसे बताया कि प्रकाश का बता दें, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, और दूसरे मैंने आपसे ये भी कहा था कि प्रकाश कण में तरंग दोनों के रूप में होता है। आज डिस्कस करना है कि ठीक है सर, प्रकाश का परावर्तन भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपसे बताया कि प्रकाश के परावर्तन का मतलब है कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर गिरती है और गिरकर टकराने के बाद उसी माध्यम वापस लौट गई, तो ऐसी किरण को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि प्रकाश के परावर्तन का जरूरी है कि आपको जो पृष्ठ हो चिकना पृष्ठ होना चाहिए और ना कि आपका खुरदरा पृष्ठ हो। दूसरा ये थी कि जिस वस्तु पर प्रकाश डाला जा रहा है वो वस्तु जो है अपारदर्शी हो, पारदर्शी ना हो, ये नहीं होना चाहिए कि आप प्रकाश डाल रहे हैं प्रकाश जो है आर पार चला। उसके बाद डिस्कस किया था प्रकाश के परावर्तन के नियम, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि परावर्तन के तीन दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या था कि आपकी आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, नियम नंबर वन था। दूसरा नियम डिस्कस किया कि आपतन कोण जो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये दो नियम जो हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद डिस्कस किया कि दर्पण क्या होता है, कि दर्पण से क्या, मैंने आपको दर्पण आपके दो टाइप के, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि बीम और प्रतिबिंब के आधार पर, कि बीम का मतलब वस्तु है, प्रतिबिंब का मतलब इमेज हो गया, दो टाइप के प्रतिबिंब हो गया, आभासी वास्तविक। उसके बाद था कि सर दर्पण भी दो टाइप के हो गए, इस आधार पर आभासी वास्तविक के आधार पर उत्तल और अवतल दर्पण। तो अब मैंने आपसे कहा था कि अगली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में डिस्कस करेंगे उत्तल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में, साथ में डिस्कस करेंगे हम कैसा कौन सा प्रतिबिंब कब बनता है और कौन सा दर्पण जो है कौन सा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास में हम पहले डिस्कस करते हैं दर्पण के बारे में और उनके टाइप किस किस टाइप का समझना। आपने एक गोले दर्पण लिया, ठीक है, अब गोले दर्पण को आपने बीच में से दो पार्ट में कट कर दिया। अब जैसे आपने बीच में से दो पार्ट में कट किया तो एक पार्ट तो आपको मिला अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ, यानी कि ये वाला, और एक पार्ट आपको मिला बाहर की तरफ को उभरा हुआ, यानी कि ये वाला, तो ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ। तो दर्पण का, गोले दर्पण का वो भाग जो अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ होता है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण, यानी गोले दर्पण का वो भाग जो अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ है वो क्या हो गया, आपका अवतल दर्पण हो गया। और गोले दर्पण का वो भाग जो बाहर की तरफ को उभरा हुआ होता है उसे कहा जाता है आपका उत्तल दर्पण। दूसरी बात, अवतल दर्पण की अगर बात करें जो अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ है, इसके बाहर पॉलिश हुई भी होती है ताकि लाइट जब इस पर डाली जाए तो दर्पण से बाहर ना जाए, परावर्तन हो अपवर्तन ना हो, प्रकाश किरण का आर पार निकल जाना अपवर्तन कहलाता है। और अभी तक हमने पढ़ रखा है प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि प्रकाश किसी वस्तु पर गिरा, गिरकर टकराने के बाद उसी वस्तु वापस लौट गया, प्रकाश का परावर्तन था। और उत्तल दर्पण में हमने ये पढ़ा कि उत्तल दर्पण जो का मतलब हुआ कि सर दर्पण का वो भाग गोले, किस कौन दर्पण का, गोले दर्पण का, तो गोले दर्पण का वो भाग जो बाहर की तरफ को उभरा हुआ होता है और जिसके अंदर वाले पृष्ठ पॉलिश पॉलिश हुई होती है वो कहलाता है आपका उत्तल दर्पण। और ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, तो अब डिस्कस हमें इस चीज के बारे में डिस्कस करना है, तो एक ही चीज को डिटेल में लेंगे, अवतल को भी लेंगे और उत्तल को भी लेंगे। ठीक है, समझते बैठे। अब ये आपका हो गया अवतल दर्पण, बाहर पॉलिश हुई वैसे, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि इस दर्पण को हमें पूरा करना है, इस गोले पृष्ठ को जब मुझे पूरा गोला खींचना है तो आप क्या काम करोगे, इसको पूरा करने के लिए, पूरा करने का मतलब क्या हो गया, मैंने कहा इसको जो है इस तरीके से जो है इसको पूरा गोला बनाना है, तो आप क्या काम करोगे इस पूरा गोला बनाने के लिए, ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया, अंदर तक मुड़ा हुआ है, इसके बाहर पॉलिश हुई है, तो और इसको कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए जो है हम इसके सेंटर में एक केंद्र बिंदु लेंगे, सबसे पहले प्रकार लेंगे, उसमें पेंसिल लगाएंगे और एक केंद्र बिंदु मानेंगे। अब वो केंद्र बिंदु मानकर जब हम एक दूरी भरेंगे तो वो दूरी से आप इस गोले दर्पण के भाग को पूरा कर लोगे, तो जो आप केंद्र मानते हैं उस केंद्र कहा जाता है सी, मतलब वृत्ता केंद्र, सी का मतलब हो गया वृत्ता केंद्र, वृत्ता केंद्र। अब समझना वक्ता केंद्र का मतलब क्या है, यानी कि वक्ता केंद्र जो है वो गोले दर्पण का पूरे वक्र का केंद्र है, तभी तो उसे नाम जाएगा वक्ता केंद्र, पूरे वक्र का केंद्र हो गया जो इस पूरे वक्र को संपूर्ण करता है, कंप्लीट करता है।
वृत्तकेंद्र, ठीक है सर। अब मैंने कहा कि दर्पण का जो है मध्य बिंदु कहलाता है, ये दर्पण हो गया आपका कौन सा उत्तल दर्पण। अब दर्पण के जो गोले दर्पण का जो भाग है, जिसका उत्तल दर्पण कह रहे हैं, जो अभी तक को मुड़ा हुआ है, वो दर्पण का जो मध्य बिंदु जो है वो कहलाता है पोल, पी मतलब ध्रुव। ध्रुव, ठीक है सर। सी मतलब वृत्ता केंद्र, पी मतलब ध्रुव। वृत्ता केंद्र ध्रुव तक की दूरी हो गई, वृत्ता त्रिज्या, क्योंकि अगर आपने प्रकार में इतनी दूरी भरी है तो वो दूरी ही तो आपने कंप्लीट करवाएगी, वो दूरी त्रिज्या, त्रिज्या तो कहलाती है, और पूरे वक्र की दूरी है, तभी तो उसे नाम दिया गया आर को वृत्ता त्रिज्या। इस पूरे वक्र की त्रिज्या यानी कि वृत्ता त्रिज्या, ठीक है। अब वृत्ता त्रिज्या होगी, ये वृत्ता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, और आर वक्र त्रिज्या होगी वो सी मतलब वृत्ता केंद्र और पी ध्रुव, सी और पी को मिलाने वाली रेखा कहलाती है आपकी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है सर। अब इसके पीछे आपने क्या काम किया, एक वस्तु रखी, तो जो वस्तु रखी हुई है ए बी, इस वस्तु से ध्रुव तक की दूरी हो गई यू मतलब वस्तु की दूरी, जितनी भी दूरी काउंट की जाएंगी वो ध्रुव तक काउंट की जाएंगी, कि ध्रुव कहाँ पर है, पी बिंदु है, पी मतलब पोल मतलब ध्रुव तक दूरी लेनी पड़ती है, चाहे वस्तु कहीं पर भी रखेगी, ठीक है सर। ये हो गया क्लियर। सी पी मतलब मुख्य अक्ष, यानी कि सी और पी को मिले वक्ता केंद्र, ध्रुव को मिला जाएगा, क्या कहते हैं आपके मुख्य अक्ष कहलाती है। आर मतलब क्या हो गया, वक्ता त्रिज्या हो गया, पी मतलब वक्ता केंद्र हो गया, पी मतलब ध्रुव हो गया, ध्रुव के क्या दर्पण का मुख्य, दर्पण का मध्य बिंदु क्या, ध्रुव आपका कहलाता है। अब इससे अगर प्रकाश की कोई किरण चलती है, चलने के बाद जैसे ही वो पहुंची दर्पण पर, दर्पण पर पहुंची और वहां पर वो उसका परावर्तन मतलब टकराकर, टकराने के बाद यही प्रकाश की किरण जो सीधा दर्पण पर पहुंच रही है इसका होता है परावर्तन। परावर्तन के पश्चात या टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु कहलाता है आपका फोकस बिंदु, एफ फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु कह सकते हैं आप, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस हो गया। और जहां पर फोकस हुआ, फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी कहलाती है आपकी फोकस दूरी, स्मॉल एफ फोकल लेंथ से कहा जाता है, यानी कि स्मॉल एफ मतलब फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है सर। ये डायग्राम का अकॉर्डिंग हो गया, जो चीज आपको समझ मतलब यूज भी कर लेंगे, फिर डायरेक्शन करेंगे। देखो जब डायरेक्शन इसका करेंगे तो हम इसमें प्रकाश के जो नियम होते हैं, परावर्तन के नियम के साथ साथ प्रतिबिंब बनाने के जो नियम होते हैं, उनको समझने के बाद ही हम जो दर्पण का हमारा सूत्र है 1/v + 1/u + 1/f इसका प्रूफ आता है एग्जाम में, इसे किया जाएगा, ठीक है। इसमें ये चीज़ जरूरी होता है कि दर्पण क्या होता है और किस तरह से होता है, तो ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि सर ये चीज़ आपने बताई, इसका मतलब ये हो गया कि वक्त केंद्र हो गया, पी ध्रुव हो गया, वक्त तेज हो गया, सी पे क्या मुख्य अक्ष हो गया, आपका मुख्य फोकस, इस वाला क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। अब ये दर्पण हो गया कौन सा, आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है जी। अब एग्जांपल की बात करते, एक चम्मच होती है इसमें, वो उदाहरण किसका है, चम्मच ले लो, उसमें दोनों चीजें होती है। चम्मच का सामने वाला पार्ट जो अंदर तक को मुड़ा हुआ है वो कौन सा दर्पण हो गया आपका, जब अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ कौन दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। चम्मच को उल्टा कर दो, उत्तल दर्पण। तो एक ही चीज का दोनों चीजें हैं, चम्मच के अंदर वाला पार्ट जो अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ है उत्तल दर्पण, जो बाहर की तरफ को उभरा हुआ है, सॉरी जो अंदर तक को मुड़ा हुआ है अवतल दर्पण, जो पीछे के वाला पार्ट जो बाहर की तरफ को उभरा वो कौन सा दर्पण हो गया आपका, उत्तल दर्पण हो गया। अगर चम्मच के सामने वाले पार्ट में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, और उस उल्टे प्रतिबिंब को कहा जाता है कि सर ये वास्तविक प्रतिबिंब है, यानी कि इसका मतलब हो गया आपका जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, जिसे आप कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। इसका मतलब आपका अवतल दर्पण जो है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि उल्टा और अवतल दर्पण। तो आपसे मैंने क्या कहा था पहले वाले क्लास में था कि ठीक है, आपने कहा कि दो टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, तो अवतल दर्पण जो है आपका उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब कौन सा, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और चम्मच को उल्टा कर दो
कौन सा भाग हो गया? उत्तर दर्पण हो गया। उत्तर दर्पण में आपको बिल्कुल अपना प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा, इसका मतलब क्या हो गया? आप सीधा दिखाई दे रहा है उत्तर, जो आपका उत्तर दर्पण है उसने प्रतिबिंब बना दिया आपका। अवतर दर्पण ने कैसा प्रतिबिंब बना दिया? वास्तविक। अवतर दर्पण जो प्रतिबिंब बनाया वास्तविक बनाया, ठीक है। साथ के साथ जब मैंने आपसे उदाहरण दिया कि चम्मच को जब उल्टा कर देते हैं, जो पृष्ठ बाहर की तरफ को भरा हुआ होता है उसमें आपको अपना प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते। तो अवतर दर्पण के साथ आपका जो दर्पण हो गया उत्तर दर्पण, और उत्तर दर्पण जो है जो प्रतिबिंब बनाता है वो प्रतिबिंब आपका आभासी प्रतिबिंब होता है, जो आपको बिल्कुल सीधे सीधा दिखाई दे रहा है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब। आभासी, ये अंतर होता है वास्तविक में और आभासी में। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब उल्टा, इन्वर्टेड। आभासी मतलब वर्चुअल, यानी कि सीधा। लेकिन एक अंतर है, अगर आप आईने में खुद को देख रहे हैं तो आप एक तरह आभासी प्रतिबिंब हो गए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आपका आईना जो आपका उत्तर दर्पण है आभासी। में एक कंडीशन और होती है कि इस आभासी का मतलब ये हो जाता है कि आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपका राइट हैंड बन जाएगा, आपका जो राइट हैंड है वो बिहेव करेगा आपके लेफ्ट हैंड के तरीके से। यह अंतर हो जाता है आभासी प्रतिबिंब में। आभासी मतलब आपको बिल्कुल सीधे सीधा दिखाई देगा। अब उदाहरण की बात करते हैं दोनों के, आभासी के। बाइकों के, मोटरसाइकिल वगैरह के जो साइड के मिरर होते हैं उसमें जब हम पीछे वाली वस्तु को देखते हैं बिल्कुल सीधी दिखाई देती है, यहाँ कुछ चीज़ अंदर से आ रही है, बाहर आ रही है। नहीं कि क्या हुआ कि जब बाइक के साइड मिरर में से कोई वस्तु बाहर की तरफ को निकल कर आती है तो आपको यह आभास होता है कि कोई चीज़ पीछे से आ रही है, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते। तो वो क्या हो गया? आपका आभासी प्रतिबिंब हो गया। वो आपकी बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाकर आपको दिखाती है, दिखाता है। कौन दर्पण? आपका उत्तल दर्पण। और जो आपका अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण कहाँ पर लगा हुआ होता है? बाइक के साइड मिरर में लगा हुआ होता है। आपको जो अवतल दर्पण है वो डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं, शेविंग मिरर में यूज किया जाता है। कौन दर्पण? आपका अवतल दर्पण। और ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये अंतर होता है वास्तविक में आभासी, यानी कि वास्तविक आपका सीधा होता है और वास्तविक आपका उल्टा होता है। आभासी आपका कैसा प्रतिबिंब होता है? सीधा प्रतिबिंब होता है, जिसको आप टच नहीं कर सकते आभासी को। बाइक का साइड मिरर सेविंग मशीन सेविंग मिरर में यूज किया जाता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं, ईयर नोज में जो आंखों का कानों के डॉक्टर है वो इसका यूज करते हैं। किसका? ऑप्टिकल का यूज करते हैं। तो ये अंतर होता है आपका आभासी में और वास्तविक में, ठीक है सर। अवास्तविक का मतलब हो गया उल्टा प्रतिबिंब, लेकिन दो टाइप के आपके प्रतिबिंब थे, आपका आभासी दूसरा था आपका वास्तविक। आभासी किसने बनाया? सर उत्तर दर्पण, ठीक है। आभासी मतलब अवतल, और ये आभासी और अवतल ये प्रकृति कहलाती है दर्पण की। यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि दर्पण आपके पास हो गया वास्तविक दर्पण, आपके पास दर्पण कौन सा होता है? दर्पण में आपसे पूछते हैं कि इसकी प्रकृति कैसे होती है, तो आप बताओगे इसकी जो प्रकृति होती है वो वास्तविक होती है। एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल जब आपसे देगा तो तीन चीज आपसे पूछेगा। पहली कंडीशन आपसे ये कहेगा कि ये बताइए कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब ये होता है कि आपको वी ज्ञात करना है। देखो, अगर आपके पास केवल एक ही प्रकाश किरण है और एक ही बहुत सारी किरण नहीं है, आप एक ही किरण को लेकर चल रहे हैं, तो प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करती है वो बिंदु से और दूर तक की दूरी आपकी प्रतिबिंब की दूरी भी कहलाती है। यहाँ पर हमने इसको यहाँ से यहाँ तक इंडिकेट करा, क्यों करेंगे? हम केवल एक ही प्रकाश किरण को लेकर चल रहे हैं, दो किरण नहीं लिए। जब दूसरी किरण लेंगे तो जिस बिंदु पर दोनों किरण एक दूसरे को कट करेंगी उस बिंदु पर जो है आपकी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब उल्टा प्रतिबिंब कैसे बनता है, आपको कैसे बनेगा? मान लो यही आपका वस्तु है ए बी, ए बी। अब जो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा उसका दर्पण, वो इस तरीके से बनाएगा। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा इस तरीके से, यानी कि बी नीचे, टॉप नीचे, और आपको जो बॉटम है जो तल है वो ऊपर। या कौन सा प्रतिबिंब हो गया? आपका अवतल दर्पण के थ्रू बना हुआ प्रतिबिंब हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण जो आपको उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ऐसा दर्पण आपको चम्मच में बनता है जब आप देखते हो। तो इससे मैंने आपका उदाहरण कौन सा चम्मच का उदाहरण लिया कि जो दर्पण अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ है वो आपको दर्पण कौन सा अवतल दर्पण है, और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरी बेंच यहाँ से ठीक है, नेचर कैसी हो गई? वास्तविक हो गई। दर्पण कौन सा हो गया? अवतल हो गया। कि मतलब वक्ता के ध्रुव वक्ता त्रिज्या मुख्य हो गई, मुख्य फोकस हो गए, और आपका फोकस दूरी हो गया। आप इस मुख्य फोकस का भी कह सकते हैं फोकस बिंदु, फोकस बिंदु भी कह सकते हैं। बात करो क्योंकि इस तरह से काम कर रही होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ठीक है सर, ये हो गया। अब एग्जाम में तीन चीज़ आती हैं, हमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना होता है। न्यूमेरिकल में आपका यू भी होता है, वी भी होता है, आपका एफ भी होता है, आर भी होता है।
तीन चीजें होती है। अब समझ से समझ सकते हैं। यू मतलब वस्तु की दूरी, वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। एफ मतलब फोकस दूरी, फोकस दूरी। आर मतलब वृत्त त्रिज्या, वृत्त त्रिज्या। तो एग्जाम में जो है आपसे ये चार चीजें पूछने के लिए आती हैं कि यू क्या होगा, वी कितना होगा, एफ कितना होगा और आर कितना होगा। अब अगर ये सारी चीजें कौन कौन सी, यू वी एफ आर आपसे अवतल दर्पण में निकालने के लिए आ रही है, दर्पण आपके पास अवतल दे रखा है, या कभी कभी ऐसा भी होता है नॉमिनिकस में कि वो आपसे अवतल दर्पण बोलने के बजाय वो कह रहे हैं कि जो दर्पण आपका है वो वास्तविक दर्पण, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो आप समझ जाएंगे वास्तविक का मतलब हो गया आप अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो नॉमिनिकस में घुमा कर भी आपको दे सकते हैं। अब ये चीजें हैं यू वी एफ आर, यू मतलब वस्तु, वी प्रतिबिंब, एफ फोकस दूरी, आर वक्र त्रिज्या। अब अगर अवतल दर्पण आ रहा है इसमें मेन चीज आ जाती है कि चिन्ह लगाना, जिसे कहते हैं चिन्ह परिपाटी के नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब वे चिन्ह परिपाटी लगाए बिना अगर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट भी आ गया, आपने कह दिया कि सर ठीक है हमारा आंसर बिल्कुल सही भी आया, लेकिन आपने चिन्ह नहीं लगाया है, तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत माना जाएगा, क्योंकि तो चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर ठीक है ये यू का चिन्ह हो गया, अवतल के समझना है अवतल, ठीक है उसके बाद समझेंगे उत्तल में क्यों कौन से लगाने हैं। अवतल में हमें सब चीज़ दिखाई दे रही है कि यू वी एफ और आर, यू है आर बी वी एफ, ये सब कहाँ पर है, ये दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो जो भी वैल्यू दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में होगी, एफ वी आर यू, जो भी वैल्यू इन चारों में से दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में होगी वो सब निगेटिव ली जाती है। इनमें इस बात का ध्यान रखना कि कोई सी वैल्यू हो यू वी एफ आर, कोई सी वैल्यू है वो सब कहाँ ली जाएंगे, दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में ली जाएंगे, जो कि निगेटिव है। अब निगेटिव क्यों लिया लेफ्ट हैंड साइड में, जब भी हम प्रकाश की किरण के चलने के विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में दूरी काउंट करते हैं, दूरी मेजर करते हैं, दूरी नापते हैं, तो वो निगेटिव ली जाती है। इसलिए जो है तो जो भी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में होगी वो कैसी होगी, निगेटिव होगी। अब यू है वस्तु की दूरी, प्रकाश किरण जा रही इस तरीके से, आप दूरी अब टकरा कर कैसे आ गए इस तरीके डायरेक्शन में आ गए, कि क्या हो गया, जा रही की दिशा तो ये है और ये दिशा कैसे आने की दिशा, दोनों क्या होगी दूसरे के विपरीत है, तो इसीलिए हमने इसे क्या लिया, निगेटिव लिया कि यू भी ठीक है डायरेक्शन तो प्रकाश किरण जाने की, अगर इस डायरेक्शन प्रकाश की दिशा में नापते तो प्लस लेते, लेकिन प्रकाश जा इधर रहा है दूरी ऐसे नाप नाप रहे हो आप, दूर से दूरी काउंट करें कितनी दूरी होगी, तो क्या हो गया निगेटिव हो गया। वी प्रकाश जा रहा है इस तरीके से प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब दूरी आपने कहाँ से काउंट करी, दूर से दूरी काउंट करी है, दूर से फोकस बिंदु की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की तक की दूरी हो गई, ठीक है तो ये क्या हो गया आपका विपरीत दिशा में हो गई, प्रकाश से जाने की विपरीत दिशा में हो गई, तो ये भी क्या निगेटिव ली जाएगी, फोकस दूरी भी निगेटिव और आर वक्र त्रिज्या भी निगेटिव, ये किसमें है अवतल दर्पण में। तो ये यू वी एफ आर जो है ये आपके चिन्ह परिपाटी के कहलाते हैं, कि चिन्ह कब लगाना है, आपको चिन्ह कैसा लगाना है, कि मेन चीज इसके अंदर चिन्ह भी है। तो आपने क्या कहा, ठीक है ये सब चीजें क्लियर हो गई, दर्पण कौन सा अवतल दर्पण है, प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, चम्मच का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, कैसा प्रतिबिंब होता है अवतल, मतलब आभासी वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है सर ये क्लियर हो गई। चिन्ह कौन सा लगा रहा है, निगेटिव चिन्ह लगा रही है, सारी बातें किसके बारे में हो गई, आपके अवतल दर्पण के बारे में होगी, यहाँ पे बात क्लियर हो गया। अब ऐसे समझेंगे हम आपका उत्तर दर्पण के बारे में, समझना उत्तर दर्पण, क्योंकि हमें यह चीजें समझे बिना हम ना तो इसका दर्पण का फॉर्मूला प्रूफ कर पाएंगे और ना ही इसके प्रतिबिंब बनाने के नियम को समझ पाएंगे, कि सब चीज़ें समझनी जरूरी होती है, क्योंकि एग्जाम में नुमरी का साथ आता है, साथ ही साथ एक नंबर में ऐसे लोगों में क्वेश्चन भी आता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, किस तरीके से बनेगा। तो हमारा आगे क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण समझ में लेते हैं, उत्तल दर्पण गोले दर्पण का वो भाग होता है जो बाहर की तरफ को बढ़ा हुआ होता है, दूसरी मेन चीज है इस दर्पण के अंदरूनी पृष्ठ पर जो इंटरनल पार्ट है उस पर पॉलिश भी होते हैं, ना कि बाह्य पृष्ठ पर। अब वस्तु इसके पीछे रखी हुई है, ठीक है सर, अब अगर मुझे इसको कंप्लीट करना है, जैसा हमने पहले बार समझा था, अगर मुझे दर्पण को कंप्लीट करना है तो इसका सेंटर में किधर की तरफ खोलूंगा, सेंटर में इसका इस साइड खोलूंगा, तभी तो कंप्लीट होगा ये, तो ठीक है इसके मध्य बिंदु हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, तो
आगे लिखते हैं, दिक्कत नहीं होगी हमको। ठीक है, ये सी वर्षा केंद्र होगी, यहाँ भी लोग थोड़ा सा नज़दीक लेते हैं, वर्षा केंद्र हो गया। अब ये वक्ता केंद्र सी हो गया, और ये हो गया दर्पण का मध्य बिंदु, पी मतलब ध्रुव हो गया। अब जैसे पहले वाले पार्ट में क्या था कि सी और पी को क्या कह रहे थे आप, मुख अक्ष कह रहे थे, ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी सी अक्ष भी क्या हो, सी पी भी क्या हो गया, मुख अक्ष हो गया, यानी कि सी पी इसमें भी क्या हो गया, मुख अक्ष हो गया, यानी कि वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाए रखे क्या कहलाती है आपकी, मुख अक्ष कहलाती है। और इतनी ही दूरी आपकी कहलाएगी वृत्ता त्रिज्या आर, ठीक है। वस्तु इसके पीछे रखी हुई है, तो वस्तु की ये रही वस्तु ए बी, वस्तु से ध्रुव तक की दूरी हो गई यू वस्तु की दूरी। अब यहां से प्रकाश की कोई किरण चलती है, अब दर्पण पर क्या है, पॉलिश हुई अंदरूनी भाग पर, अंदर तो प्रवेश कर नहीं सकती, तो क्या हुआ, टकराने के बाद क्या हो गई, वापस लौट गई, ये जाने की दिशा, आने की दिशा, ये जाने की दिशा। और हमें ये ऐसा लगेगा जैसे प्रकाश की किरण जो है वो दर्पण में से होकर आ रही है, जिस बिंदु पर जब हम प्रकाश की किरण को पीछे की तरफ को बढ़ाते हैं, बढ़ाने के बाद ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करती है वो कहलाते हैं आपका फोकस बिंदु F, मुख्य फोकस। और आर आपका यही वृत्त त्रिज्या, यानी कि आर क्या हो गया, आपका वृत्त त्रिज्या हो गया, ठीक है सर, आर आपका वृत्त त्रिज्या हो गया। और ये दूरी आपकी क्या हो गई इस तरीके से, स्मॉल एफ मतलब फोकस दूरी, यानी कि ध्रुव और ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है सर, ये चीजें बात क्लियर हो गई, फोकस दूरी। अब F भी है, R भी है, U भी हो गया। अब मैंने ऐसा कहा हम एक ही प्रकाश किरण को लेकर चल रहे हैं, तो इसी वजह से जो है नहीं तक हमने आपको क्या कह दिया, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की दूरी भी कह दिया, ठीक है सर। तो अब क्या हुआ देखो, अब इन सब में जितनी भी वैल्यू है, चाहे वो U की हो, वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, वृत्ता त्रिज्या हो, फोकस दूरी हो, ये सब के सब जो कहाँ पर है, ये सब आपके जो है दर्पण के केवल U जो वस्तु की दूरी है वो दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए ये क्या हो गया, निगेटिव लिया हमने इसको, ठीक है सर। लेकिन बाकी जितनी वैल्यू है वो दर्पण के राइट हैंड साइड में है, सीधी तरफ है, यानी कि प्रकाश की दिशा में ही है, तो इसलिए ये सब कैसे ली जाएंगी, पॉजिटिव ली जाती हैं, प्लस में ये चिन्ह परिपाटी भी हो गया, ठीक है सर। दर्पण ये हो गया, आपको उल्टा दर्पण हो गया, ये चिन्ह हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं इसकी प्रकृति की। इसका उदाहरण मैंने आपको बाइक का साइड मिरर दिया था, गाड़ी का साइड मिरर, और मैंने आपसे कहा था कि इसमें से हमें आभास होता है कि कोई वस्तु इसमें बाहर निकल कर आ रही है, तो बिल्कुल आपको सीधी दिखाई देती है, आभास होता है, तो इसीलिए जो है इसकी प्रकृति कैसी हो गई, आभासी प्रतिबिंब होगा भाई, आता है ये प्रकृति कैसी होगी, आभासी हो गई, आभासी प्रतिबिंब, आभासी मतलब आपको सीधा दिखाई देगा, लेकिन अंतर क्या होगा, जो पार्ट इसका लेफ्ट होगा वो आपको राइट दिखाई देगा, जो आपका राइट होगा वो आपको लेफ्ट दिखाई देगा, इतना चेंज आ जाता है, अपोजिट हो जाता है, विपरीत हो जाता है, ये अंतर है आभासी में और वास्तविक में, वास्तविक में। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई, उत्तर दर्पण में सर यू को छोड़कर बाकी सब चीजें पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव है ये, अगर हम ये सब कहाँ पर, दर्पण के राइट हैंड साइड में है, या प्रकाश की दिशा में दूरी काउंट कर रहे हैं, तो ठीक है सर, ये किसमें है, आपकी पॉजिटिव में है, केवल यू का है, वस्तु के लेफ्ट हैंड, दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यू कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। तो कभी कंफ्यूज मत होना बच्चों कि सर उत्तर दर्पण में, दर्पण में चिन्ह का क्या अंतर है, अब तो अवतल में क्या होगा, यू भी निगेटिव, वी भी निगेटिव, एफ भी निगेटिव, आर भी निगेटिव, तो उत्तल में आपका यू वी एफ और आर ये सारी चीज़ें कैसी आपकी हैं, ये सब जो है आपकी यू को छोड़कर यू निगेटिव है, बाकी सब आपकी पॉजिटिव। तो दैट्स मीन आप बात क्लियर हो गई कि अवतल को उत्तल में एक ही चेंज यहाँ पर है चिन्ह में, कि यू निगेटिव दोनों में सेम रहेगा, अवतल में सारा निगेटिव, उत्तल में यू को छोड़कर सब पॉजिटिव, ये चिन्ह परिपाटी, कभी गलती नहीं होगी, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और यही पार्ट जो है आपका, यही नियम चिन्ह के मिरर के लिए भी है, लेंस के लिए भी है, मिरर के लिए भी है, लेंस के लिए भी। जब लेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम आपको आपको थोड़ा सा जो चेंज आएगा वो चेंज आएगा आपकी प्रकृति में, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण के बारे में हो गया कि दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बना रहा है, तो वक्ता केंद्र, ध्रुव, वक्ता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। और ये पॉइंट कैसा, दर्पण दर्पण कैसे बना, अवतल ने वास्तविक प्रतिबिंब बना दिया, उल्टा उत्तल ने कैसे बनाया, आपका आभासी बना दिया। मैंने आपको दोनों का एग्जांपल दिया कि बाइक के साइड में जो लगा हुआ होता है, जैसे आपको प्रतिबिंब दिखा देता है, कौन सा प्रतिबिंब होता है, आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। इसकी बात करें अवतल दर्पण की, सर ये टॉप है ए टू बी, और इसका
उल्टा कैसा होगा, बी टू ए, तो इसका प्रतिबिंब आपका ऐसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बन गया। ठीक है सर, तो ये सब आपको बताएगी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्र त्रिज्या, क्लियर है। अब उसके आगे मैंने आपको सिखाया उत्तल दर्पण, उत्तल में क्या थी, जो चीज़ दर्पण की लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है बस यू ही लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सब कहाँ पर प्लस के, राइट हैंड साइड में, तो आपने क्या लिया, सब चीज़ें पॉजिटिव ले ली। तो ये सब दोनों पार्ट क्लियर आपके हो गया, उत्तल भी हो गया आपका, अवतल भी हो गया। ठीक है सर, अब आगे वाले पार्ट से बात करते हैं। अब इसके प्रतिबिंब बना के नियम समझ लीजिए, थोड़े से नियम भी होते हैं कि परावर्तन के द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, पहले नियम जैसा समझेंगे वैसे हम उसको लिखेंगे। ये आपका उत्तल दर्पण, वर्षा केंद्र, दोरू, इसके पीछे वस्तु रखी हुई, अब समझना थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाए। पहला नियम ये कह रहा है कि अगर किसी वस्तु से, जो वस्तु ए भी है, वृत्ता केंद्र हो गया, अगर किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, या किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष कौन सी, सी और पी, पहला नियम नंबर वन, नियम वन की बात कर रहे हैं, किस नियम के है आधार पर ही हम दर्पण का जो सूत्र है उसको प्रूव कर पाएंगे कि कोई वस्तु ए भी है, इससे कोई प्रकाश किरण चल रही है, और चलने के बाद जैसी पहुंचते दर्पण पर, लेकिन ध्यान रखना कि प्रकाश की जो किरण है वो जा रही है किसके मुख से, समानता जा रही है, तो किसी वस्तु चलने वाली प्रकाश से किरण अगर मुख से समानता जाती है तो परावर्तन के पश्चात टकराने के बाद वो मुख्य फोकस बिंदु से या मुख्य फोकस से होकर जाती है। यानी कि नियम नंबर वन कि जब कोई, या समझ में ऐसे लिख दो कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। यानी कि इस नियम नंबर वन ये हो गया कि सर अगर प्रकाश से कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, यानी कि ये प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर गई है, तो ये परावर्तन हुआ टकराने के बाद जो है मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हो होकर बिंदु कहलाता है, या ये मुख्य अक्ष पर जो आपका मुख्य अक्ष है उस पर जो फोकस बिंदु है उससे होकर जाती है। यानी कि जो आपने समझा वही लिखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण जो मुख्य के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात जो है ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जो वही बात पॉइंट आपने लिया, नियम नंबर वन हो गया। नियम नंबर टू, ये दर्पण ये आपका हो गया वक्ता केंद्र, ये आपका हो गया ध्रुव पी,
और ये उसका हो गया कोई वस्तु या प्रक्रिया। अब नियम नंबर दो समझिए, नियम नंबर दो समझना, ये फोकस बिंदु। नियम नंबर दो ये कह रहा है कि जब प्रकाश की कोई किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद यानी कि टकराने के बाद वह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, सीधी सी बात है। यानी कि नियम नंबर वन में प्रकाश किरण मुख्य के समांतर गई, फोकस बिंदु से होकर चली गई। नियम नंबर टू ये कह रहा है कि प्रकाश किरण जब फोकस बिंदु से होकर जाती है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर हो जाती है, मुख्य के समांतर लौट जाती है। यानी कि जो पॉइंट है ये नियम नंबर का हो गया, कौन सा हो गया, दूसरा नियम नंबर हो गया। तो जो आपने समझा वही बना वही लिख दीजिए, वस्तु आपकी ए बी कि जब प्रकाश की कोई किरण जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समांतर हो जाती है, ये कैसा हो गया, नियम नंबर दो हो गया। यानी कि दूसरे नियम में जब फोकस बिंदु शो कर दे तो मुख्य समांतर हो गई, ठीक है, नियम नंबर दो, ठीक है सर। नियम नंबर थर्ड, नियम नंबर थर्ड समझिए, यह अवतल दर्पण, ठीक है सर, वक्ता केंद्र, ये कोई फोकस बिंदु हो गया दर्पण पे मुख्य अक्ष से, ये ध्रुव हो गया और इसके पीछे आपने कोई वस्तु रख दी, ठीक है, ये आपके दर्पण पे आपके पीछे आपने वस्तु रख दी। अब नियम नंबर तीन क्या कह रहा है समझ लीजिए, दर्पण वस्तु बार बार टेढ़ी हो रही है क्योंकि वस्तु का जगह बहुत जरूरी है, ठीक है, वस्तु ए बी। अब अगर किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश किरण, नियम नंबर तीन ध्यान समझना, कि अगर कोई प्रकाश किरण जो है वक्ता केंद्र से होकर जाती है तो वक्ता केंद्र से होकर जाने के बाद, जब वक्ता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात, यानी कि नियम नंबर तीन क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से होकर जाती है, सी से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात वो उसी रास्ते से वापस लौट जाती है जिस रास्ते से वो आई थी। नियम नंबर हो गया तीन, यानी कि नियम नंबर तीन क्या कहा, यदि प्रकाश की कोई किरण वक्ता केंद्र से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वो अपने प्रारंभिक मार्ग से वापस लौट जाती है। प्रारंभिक मार्ग मतलब प्रारंभिक मार्ग मतलब पहले वाला मार्ग जिस मार्ग से वो आई थी, ठीक है, यह नंबर तीन हो गया। यानी कि जब प्रकाश की कोई किरण जब प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से होकर जाती है होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। वापस लौट
जाती है, ये हो गया नियम नंबर तीन। ठीक है, जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते क्या हो गया, ये वापस चली गई, नियम नंबर तीन। और ये तीन नियम हो गए, अब चौथा नियम और मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, नियम नंबर चार। सर ये आपका हो गया उत्तर दर्पण। ठीक है, ये उसके पीछे पॉलिश हो गई। चलिए, ये सर वक्ता केंद्र हो गया, ये आपका हो गया ध्रुव। ठीक है, ये होगी वस्तु ए बी। अब नियम नंबर चार ध्यान समझना कि जब प्रकाश से कोई किरण, और इसका ध्रुव फोकस बिंदु बना दो, जब प्रकाश से कोई किरण ध्रुव पर गिरती है तो वह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है। नियम नंबर चार क्या है कि जब प्रकाश से कोई किरण जो है वो ध्रुव पर टकराती है तो टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात वह परावर्तन के नियम का पालन करती है। अब परावर्तन का नियम का पालन का मतलब क्या हो गया, जितने कोण से गिरी है उतने कोण से वापस लौट जाएगी, ये हो गया परावर्तन का नियम। ये नियम नंबर चार, जिस कोण से आई थी उसी कोण से क्या हो गई, वापस चलेगी, नियम नंबर चार हो गया। तो दैट्स मीन सर कि जब प्रकाश से कोई किरण प्रकाश की कोई किरण ध्रुव से टकराती है तो वह परावर्तन के नियम का पालन करती है, तो वह परावर्तन के नियम का पालन करती है। और परावर्तन के नियम का आपको बताया कि जितने कोण से टकराए उतने कोण से वापस लौट जाती है, परावर्तन का नियम का पालन करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपके चार नियम होते हैं प्रतिबिंब बनाने के। अब इन चार नियम के आधार पर ही हम सिद्ध करेंगे दर्पण का सूत्र, ये बात ध्यान रखना। तो एक बार समझ लेते भाई से कि पहला नियम ये है कि जब प्रकाश की कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तब परावर्तन के बाद तो फोकस बिंदु से होकर जाती है, नियम नंबर वन। नियम नंबर दो कह रहा है जब प्रकाश की कोई किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो कराने के बाद परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, नियम नंबर टू हो गया। नियम नंबर तीन कह रहा है कि जब प्रकाश की कोई किरण वक्ता केंद्र से होकर जाती है तो अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। और नियम नंबर चार में कहा गया कि जब प्रकाश की कोई ध्रुव पर टकराती है, टकराने के बाद वह परावर्तन के नियम का पालन करते ही होगा, नियम नंबर चार। तो इस तरीके जो है इस समय चार नियम होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज कल हमारा टॉपिक क्या था, टॉपिक हमने पढ़ा दर्पण, दर्पण के प्रकार और साथ के साथ कितने उसके प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रकार और आपके नियम हो गए। तो ये सब क्या हो गया, आइए आज के लेक्चर में आपके हो गए। अब हमारा जो टॉपिक बच रहा है इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमारे टॉपिक कौन कौन से रह गए, अब अगली क्लास में टॉपिक करेंगे हम रेखीय आवर्धन, जो हमारे सिलेबस में है रेखीय आवर्धन। दूसरा दर्पण के सूत्र का निगमन, दर्पण के सूत्र का निगमन। तीसरा निगमन मतलब प्रूफ करना, दर्पण सूत्र कौन सा है, 1/v + 1/u = 1/f। और उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन हमारा ये जो हमारे नेक्स्ट क्लास के टॉपिक होंगे, प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण और क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सब चीजें जो है ये हमारे क्या होगी, नेक्स्ट क्लास में होगी। क्रांतिक कोण मतलब क्रिटिकल एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसीलिए जो है हमने परावर्तन भी समझ लिया, ताकि जब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझे तो प्रॉब्लम क्रिएट हमारे सामने ना हो कि परावर्तन क्या होता है। तो ये चार टॉपिक आपके हमारे नेक्स्ट क्लास में होंगे जो कि इम्पोर्टेंट भी है। तो आज हमने जो डिस्कस किया कि दर्पण, दर्पण के प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के नियम, प्रतिबिंब बनाने के नियम, साथ के साथ चिन्ह परिपाटी भी डिस्कस किया। और फिर मैंने आपको एक बात बताई कि अगर आप अवतल की बात कर रहे हैं
तो आउटर में जितनी भी वैल्यू आपकी बात की जा रही है वो सब निगेटिव में ली जाती है, और अगर आप उत्तल की बात कर रहे हैं तो यू को छोड़कर साइड में कितनी आपके प्लस में ली जाती है। तो ये सब चीज़ें किस में हो गई, आपके तीन परिपाठी में हो गई। प्रतिबिंब में आपसे पूछा है, आपसे अगर वो ये भी कह रहा है कि प्रकृति बताइए दर्पण की, तो प्रकृति में आपको ये बताना है आभासी होगा या वास्तविक होगा। अवतर दर्पण वास्तविक प्रकृति, उत्तर दर्पण आपका आभासी प्रकृति। उत्तल में चिन्ह यू को छोड़कर सब पॉजिटिव, बाकी सी जितनी भी डायग्राम आपको बनाएगा ये सब आपको समझना है। सी पी क्या होती है, यानी मुख्य अक्ष होती है, एफ मतलब मुख्य फोकस हो गया, आर मतलब वक्र त्रिज्या हो गई, एफ मतलब आपकी फोकस दूरी हो गई। तो चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। बस आपको चीज़ें ये समझना चलें कि हमें टॉपिक को, जो भी हमारे सामने टॉपिक आए कि वो टॉपिक किस तरीके से है, तो ये मेन इंपॉर्टेंस होती है टॉपिक के अंदर। इसमें अगर कोई भी टॉपिक आपको आपको ऐसा लगा हो कि जो मैं समझ में नहीं आया हो, तो आप जो है मुझे कमेंट में डाल देंगे सर इस टॉपिक का दोबारा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। इन चीज़ों आभासी मतलब वर्चुअल कहा जाता है, वास्तविक मतलब रियल हो गया, तो चीज़ इस तरह से हो गई आपकी। उसके बाद मैंने आपको पता है ये गोले दर्पण का भाव होता है कि जो दर्पण अंदर की तरफ को मुड़ा हुआ है उत्तर दर्पण, जो बाहर की तरफ को मुड़ा हुआ है आपका उत्तर दर्पण हो गया। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि अवतर दर्पण के बारे में आपको डायग्राम बना दिया कि एक प्रकाश से कोई किरण है जिस बिंदु पर कट कर फोकस बिंदु हो गया, सिर्फ वक्ता केंद्र हो गया, पूरे वक्र कंप्लीट कर रहा है, भी आपका ध्रुव हो गया, भी आपकी प्रतिबिंब की दूरी हो गई, आर वक्ता त्रिज्या हो गया, आपकी फोकस दूरी हो गई, जो आपको बताया गया। ठीक है सर, यू वस्तु की दूरी भी, प्रतिबिंब की दूरी, इसे प्रतिबिंब की स्थिति भी कहा जाता है इस वाले को। प्रतिबिंब की स्थिति भी कहा जाता है। और एक बात को ध्यान रखना, अगर आपका वी का आंसर निगेटिव में आ जाए तो वास्तविक कर देना प्रकृति, और वी का आंसर आपका प्लस में आ जाए तो आभासी कर देना। ये पहचान भी होती है वास्तविक, नंबर गलत नहीं होगा। दूसरा बात, अवतर दर्पण में आपका जो भी आंसर आएगा अगर वी निकलवा रहा है तो मैक्सिमम कंडीशन में आपका माइनस में आएगा, क्योंकि वी नेगेटिव में होता है। उत्तल दर्पण में आपका जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा वी, क्योंकि वी किस में होता है, प्लस में होता है। तो चीज़ें ऐसे काम करो, तो ये आपसे क्या होगा, इससे आपको गलती नहीं होगी। ये जो भी टॉपिक आप कर रहे हो क्वेश्चन, आज जो है हमने क्लास में जो चीज़ डिस्कस की है वो मेन चीज़ आपकी है, और कल हम डिस्कस करेंगे इनको, जो मैंने आपको चार टॉपिक पढ़ा है कि ये जो चार टॉपिक आपके ये आपके रह रहे क्लास के अंदर, आवर्धन, दर्पण का फलक निगमन, प्रकाश का पतन और क्रांतिकोण का पुरांतरिक आवर्तन। इसे ये ज़्यादा अंतर नहीं होता, क्रांतिकोण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, और क्रांतिकोण कोई नया टॉपिक नहीं है, एक तरीके से अपन कोण को क्रांतिकोण कहते हैं, जब अपवर्तन को लेकिन उसके जरूर होता है प्रकाश का अपवर्तन, इसीलिए क्रांतिकोण टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन के बाद आया, क्योंकि अपवर्तन जो है क्रांतिकोण को समझने में जरूरी है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो बाकी हम जो है नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, आज प्लेट नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अब इस वीडियो की सबसे जरूरी बात सुनिए, अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाए, अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए, प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाए, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं, ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा, ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है, और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं।
तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129283665। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।